उसके बताते हैं, ठीक है, डोंट वरी, एक दो दिन में कोई ना कोई समस्या है तो सॉल्यूशन निकलेगा ही, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, कोई ना कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू 2a, x इक्वल टू y क्यूब एंड x इक्वल टू 0, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। एक्स इक्वल टू वाई क्यू है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। कर्व कैसा बनेगा जी, कुछ बताएंगे कर्व? हेलो, कर्व कैसा बनेगा कोई बताएंगे? ये देखिए, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यू रहता तो हमारा ग्राफ क्या होता है, ये देखिए, हमारा ग्राफ ये होता है ना जी, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ये ग्राफ होता है, याद है? हेलो, ऐसा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यू। बट अगर x इज इक्वल टू y क्यू होगा तो हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ऐसा कट करेगा, जैसे बात आ रही समझ में, ये ऐसे थोड़ा सा, मैंने एकदम ये अगर देखा जाए ना, ऐसे और यहीं पे ऐसा भी होगा, माने y एक्सिस को टच करता हुआ ऐसे जाएगा। एक हमारा एक रफ आइडिया था, कोई प्रूफ है कि क्यों का इस टाइप का ग्राफ क्यों बनता है? हाँ जी, हाँ जी, प्रूफ ये है, ये देखिए, हम न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए y इक्वल टू x क्यू है, तो जो हमारा एक्स और वाई, हमने एक डायग्राम ले लिया, प्रूफ भी देख लेते हैं, जीरो पे जीरो मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स इक्वल टू वन लेते हैं तो वन मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे ही टू लेते हैं हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एट हो जाएगी, यानी टू लेते ही हमारी वैल्यू, यहाँ देखो वन पे तो वन तक तो सही है हमारा ग्राफ, बात आई समझ में, वन से छोटी पे छोटी, लेकिन जैसे वन पे हम ग्रेटर वैल्यू बढ़ते हैं तो हमारी ग्राफ क्या होता है, 8 गुना बढ़ जा रहा, हमने x की वैल्यू कितना बढ़ा है 2 टाइम्स, लेकिन y कितना बढ़ा 8 टाइम्स, अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं ये कितना हो रहा है 27, यहाँ पे 3 के, यानी x के रिस्पेक्ट में वो y इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते, बात समझ में आ रही पदम? हेलो, तो ये क्या होगा, एकदम मैंने ऐसा उठा हुआ, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमारा ऐसे जाता है, तो यहाँ तक तो उतना ही पार्ट है, देखो थोड़ा वन तक तो उसी के बीच में थोड़ा सा, लेकिन ये जो ग्राफ है ये ऐसा है, ऐसा है और ऐसे शार्पली बढ़ रहा है, ये भी कर्व वैसा ही दिखता है लेकिन है नहीं वैसा, ठीक है, वैसा ही दिखता है लेकिन है वैसा नहीं, तो ये माने y ना होके, माने u शेप ना होके थोड़ा सा ऐसा है, बात समझ में आ रही, ये U शेप ना होकर यहाँ पे शार्पली ऐसे बढ़ जा रहा, ठीक है, ओके सर, हाँ जी, ठीक है, तो ये समझने के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट, अगर मान लो मॉडुलस आ गया क्यूब के आगे तो वो ओनली पॉजिटिव साइड लेनी है हमने, हाँ जी, हाँ जी, पॉजिटिव साइड, अब देखिए ये ग्राफ में क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू x क्यूब, y is equal to x cube ग्राफ हो गया हमारा ग्राफ, x is equal to y cube and x is equal to 0, y is equal to minus a, y is equal to 2a, y is equal to minus a कहाँ पे एक लाइन होगी, यहाँ पे होगी ना, y is equal to minus a यहाँ पे लाइन होगी, y is equal to 2a यहाँ पे लाइन होगी, ठीक है, y is equal to, और बोल रहा है x axis, यानी हमें एरिया ये फाइंड आउट करना है, कौन सा जी,
ये कर्व प्लस दिस, ये वाला ना जी एक्स एक्सिस से यही एरिया बन रहा एक्स इक्वल टू जीरो से, और ये वाला है क्योंकि ये लाइन और ये कर्व और एक्स इक्वल टू जीरो लाइन कौन सी हो गई, ये यही है ना एक्स इक्वल टू जीरो लाइन। हेलो यस सर। तो ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे एरिया दो पार्ट में बटा हुआ, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया हमारा ये हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया की बात करें ए तो क्या हो गया माइनस ए टू जीरो। हम ऐसे चल रहे हैं, हमने ऐसे स्ट्रिप लिया ठीक है, ऐसे कट किया ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो हमारी ये दी गई है माइनस ए टू टू ए दी गई है, यानी माइनस ए टू ऐसे हम डी वाई के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वन कर्व यहाँ पे एक्स टू कर्व इंटू डी एक्स इंटू डी वाई प्लस जीरो टू टू ए यहाँ पे भी एक्स थ्री माइनस एक्स फोर ले लो इंटू डी वाई, ऐसा हमने कर लिया। ये वैल्यू देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए टू ए जीरो एक्स वन, ये देखो ये हमारा कर्व हमारा एक्स वन हो गया ये वाई वन हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस ए सॉरी 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 ये अपर कर्व है ये लोअर कर्व है। तो अपर कर्व क्या हो गया ये देखो एक्स इक्वल टू वाई क्यू, वाई क्यू माइनस माइनस ए ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा वाई क्यू इंटू डी वाई हो गया और एक्स टू की वैल्यू हमारी जीरो हो गई ना, ये देखो एक्स वन जीरो है एक्स टू माइनस एक्स वन ये डी वाई हो गया और यहाँ पे मोड लग जाएगा प्लस जीरो टू टू ए एक्स थ्री ये वैल्यू ये देखो ये कर्व और ये कर्व ये हो गया जीरो माइनस तो ये माइनस वाई क्यू हो गया डी वाई। तो हम वाई क्यू लेके सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, हेलो बात समझ में आई, हेलो इसमें किसी को दिक्कत है जी, आवाज नहीं आ रही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू फोर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन जी। हाँ जी ट्राई करें जी, सर कर रहे हैं है जी। हेलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जांपल थ्री फाइंड द एरिया एरिया एनक्लोज बाय द रीजन एक्स कॉमा वाई सच दैट सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन वन इज लेस देन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। ट्राई दिस क्वेश्चन जी। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन वन एंड दिस वन इज लेस देन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी।
हाँ जी समझ में आया जी, कैसे करेंगे? कर्व बनाइए। तो देखिए ये क्या है, अगर ये कर्व देखा जाए, पहला कर्व क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज लेस देन वन। ये कर्व क्या बोल रहा है कि हमें इनसाइड एरिया चाहिए ना जी, क्योंकि जीरो जीरो इज लेस देन वन ट्रू है, यानी ये जो इलिप्स बनेगा ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को, इसमें किसी को दिक्कत? तो ये कर्व क्या बोल रहा है कि लेस देन वन यानी हमारा इनसाइड एरिया चाहिए कि नहीं, अंदर वाला एरिया, यही बोल रहा है ना जी। और ये क्या बोल रहा है, एक बाई ए प्लस वाई बाई बी, सॉरी ये कर्व टू, ये क्या बोल रहा है, जीरो प्लस जीरो पुट करने पे वन से वन इज जीरो इज ग्रेटर देन, ये देखिए क्या, यानी ये बोल रहा है कि कर्व से हमें आउटसाइड एरिया चाहिए, यानी ये लाइन हमारी ऐसी बनेगी। देखो तो अगर इसको जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा, वाई को जीरो करेंगे तो जीरो कमा बी, और ये हो जाएगा ऐसा कर, ये हमारी लाइन। तो ओवरऑल अपना एरिया क्या, ये लाइन, ये कर्व बोल रहा है कि हमें इनसाइड का एरिया चाहिए, और ये लाइन बोल रहा है कि हमें आउटसाइड चाहिए। इधर ये लाइन इधर के लिए बोल रहा, और ये इनसाइड के लिए बोल रही है ये कर्व। तो ओवरऑल हमारा एरिया जो बनेगा, ये देखिए ये यही एरिया निकालना है ना जी। हेलो, यस यस सर, ठीक है। तो इस एरिया को निकालना बहुत ईजी है, जीरो टू ए में इंटीग्रेट करना, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एक कमा जी। हाँ जी सर, पाई ए स्क्वायर माइनस ए बी बाय टू, ए बी बाय टू तो ठीक है यार, पाई ए स्क्वायर नहीं होगा, पाई ए बी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारा एक अपर कर्व हो गया, ये हमारा लोअर कर्व हो गया, और जीरो टू ए कर देंगे, सॉरी जीरो टू ए, जीरो टू ए एरिया हो जाएगा, और ये हमारा वाई वन माइनस वाई टू इंटू डी एक्स। वाई वन की वैल्यू क्या होगी ये देखिए, वाई वन की वैल्यू देखिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी रूट ओवर ये देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई जी, ठीक है। ये हो जाएगा जीरो टू ए बी इंटू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस यह देखिए ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बाई ए इंटू बी, तो बी इंटू वन माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा हो जाएगा जी। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ जी अनिकेत, पदम, तरसान, सर रिपीट कर दो एक बार। देखिए यहाँ से हमने y1 की वैल्यू निकाली है, तो ये देखिए y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को इधर रखा, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, और इसका रूट लेंगे तो ये y by b इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया, तो b को इधर उचका दिया, तो b इंटू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y by b को इधर रखा तो वन माइनस एक्स बाई ए हो गया, और बी को इधर मल्टीप्लाई कर, ठीक है जी, ठीक है। अब हमारे समस्या यहाँ पे है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना जी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सबसे कॉमन ले लो, बी सबसे कॉमन ले लियो, जीरो से ए रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, माइनस वन ये वन हो गया अपॉन एक्स बाई ए इंटू डी एक्स,
ऐसा हो गया, देखिए b कॉमन हो गया, तो b यहाँ से कॉमन हो गया, देखो इसको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। देखो a यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई ए हो जाएगा, और माइनस ए माइनस एक्स बाई ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो b बाई ए आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर दो, जीरो टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, यही हो गया ना जी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे, इसी को हमें सॉल्व करना है। और अच्छा यहाँ पे भी जीरो टू ए ही है जी, जीरो टू ए है, ये भी जीरो टू ए हो जाएगा, जीरो टू ए हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए इसको सॉल्व करना दिक्कत है। तो ये देखो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है जी, एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, याद आया जी। हेलो, यस सर, ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब ए टू जीरो कर देंगे और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए जीरो ए टू जीरो हो जाएगा, माइनस ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी बाई ए रख दे, अब देखिए अगर हम ए पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, और जीरो पुट करते हैं तो भी ये जीरो हो जाएगी, बात समझिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट ए हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पहला अपर लिमिट पुट किया, माइनस जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट करो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए और जीरो हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, अब और जीरो पे जीरो हो, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं पे कर ले, क्या कर लेते हैं, ये देखिए b बाई ए बाहर है जी, ठीक है इसको रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स a से a, देखिए a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो वन हो गया, साइन इनवर्स वन क्या हो जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पे क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू, ऐसा हो गया। और देखिए माइनस ए हो गया और प्लस ए स्क्वायर बाई टू हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए अच्छा ये वैल्यू हमारी एक एक्स्ट्रा बन रही है, ये ए है पहले से, ए है जो हमने छोड़ दिया है, ये देखिए ए है यहाँ पे, ए है तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, ये देखिए b बाई ए हो गया, यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर पाई बाई फोर हो गया, और देखो ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो b बाई ए, और यहाँ पे देखो पाई बाई फोर बन रहा है, अब प्लस यहाँ पे देखिए माइनस ए बन रहा है वन बाई टू, ऐसा बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी पाई ए बी, ये तो ये कैंसिल होगा तो पाई ए बी बाई फोर माइनस ए बी बाई टू। अब देखिए माइनस की कहीं एक गलती आ रही है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस ही होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत है जी इसमें। हेलो हेलो, नो सर। ठीक है जी, और किसी को दिक्कत है, कैथरीन? नो सर। हाँ जी मुस्कान, सोनाली, इसमें दिक्कत है जी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to 2, which is interior of the parabola y square is equal to x. ठीक है जी, try this question. तुम्हारे मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता, सॉरी सर, वो समझ नहीं आया. अरे यार क्या हुआ भाई, गूगल नहीं चल रहा क्या? नेटवर्क ठीक नहीं है. हाँ जी, ये किसका कर्व हुआ जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. कोई दिक्कत? और पैराबोला क्या हो जाएगी? यही पैराबोला होगा ना जी. ऐसे भिक्की होते हुए रामपुर आते होते हुए बरनाला को निकल जाएगा. ठीक है जी, सही है. और हमें बोला फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल दिस विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला. पैराबोला के इंटीरियर कौन सा एरिया है जी? यही है ना जी, ये एरिया हमें चाहिए. अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? कोई बात नहीं है जी, पुट करें जी, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2. तो यहां पे लेकर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस 2 क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा. माइनस 2 किधर आएगा? इधर आएगा, जो हमारे में नहीं आ रहा. आप बोलेंगे, कोई पूछेगा हमसे कि ये क्यों आ गया? बात आ रही है ना जी, क्योंकि ये कर्व हमारा सिमेट्रिक है, लेकिन ये कर्व ये सिर्फ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. ये जो कर्व है पैराबोला, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, लेकिन जो हमारा सर्कल है x एंड y दोनों के सिमेट्रिक है, इसके वजह से ऐसा हो गया. ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू 1 यानी ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ऐसे, ये हमारा होगा x इज इक्वल टू 1 और ये पॉइंट है रूट 2 कमा 0. यानी यहाँ पे यहाँ तक हमें एरिया निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके. ये जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है. तो देखें यहाँ पे क्या सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते जीरो से लेके रूट टू तक? कैसे करेंगे? यहाँ तक देखिए, ये वाला कर्व अगर जीरो से करेंगे तो ये पूरा कर्व आ गया ना, इसका मतलब ये पूरा कर्व आ गया. ये सर्कल से ले रहे हैं ना, देखिए, जबकि हमारा कर्व तो यहाँ से बन रहा है, एरिया यहाँ से है. तो हम क्या करेंगे, 0 to a 1, तो यहाँ पे कौन सा कर्व होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी वाई वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट एक्स. ये हमारा रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा. प्लस 1 to √2, यहाँ पे कौन सा कर्व आएगा? ये कर्व क्या हो जाएगा? देखिए 2 - x² √dx. ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया. बात समझ में आई जी? हेलो, ये बात एक बार रिपीट कर दो. देखिए, यहां से यहां तक कौन सा कर्व है? यहां से यहां तक कौन सा है? पैराबोला है. और यहां से यहां क्या है? सर्कल है. तो 0 to 1 तक हम पैराबोला का लिए, ठीक है, 0 to 1 तक हमने क्या लिया? पैराबोला लिया. और 1 to √2 तक हमने सर्कल लिया, 1 to √2 तक सर्कल लिया. और इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. a यानी a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2a, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया x एक्सिस के नीचे भी है.
ठीक है जी, बात सुन। अब नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर सकते हैं कि करना पड़ेगा जी। a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू 1 रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 टू रूट 2 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे जी कि हम करके दिखाएं, बोलिए। ये देखिए x का पावर यहाँ पे 3 बाई 2 1 टू 0 ठीक है, प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x बाई 2 रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई रूट 2 इन टू ऐसा हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पे रूट 2 से 1 आ जाएगा, बात समझ में आई जी। ये देखिए तो यहाँ पे 2 यानी 2 बाई 3 और 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया। अब देखिए रूट 2 यहाँ पे जब पहला रूट पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 दे देगी, और जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस 1 तो ये भी हो जाएगा 1 ठीक है जी। तो 1 बाई 2 आ गया यहाँ पे प्लस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 हो गया, यहाँ रूट 2 आएगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा ठीक है। माइनस जब हम साइन यहाँ पे 1 बाई रूट 2 करेंगे क्या आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 हो जाएगी पाई बाई 2 में से पाई बाई 4। तो ये देखिए 2 बाई 3, अब देखिए 1 बाई 2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ये 6 हो जाएगा 2 जब 4 माइनस 3 ये देखिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई 6 प्लस पाई बाई 4 ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस पाई बाई 2 ये आपका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है जी? हेलो कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ जी कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे नहीं समझ में आया हो? ठीक है जी, हाँ जी मुस्कान समझ में आया? सोनाली? यस सर। ओके जी आगे बढ़े जी, और भी क्वेश्चन करते हैं सेम पैटर्न के इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x कमा y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 8ax कमा y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ax एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x कमा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8ax कॉमा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ax एक्स कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0। Thank you.
हाँ जी देखिए बहुत ही आसान है जी, ये भी सोचने वाली बात नहीं ज्यादा। देखिए ये कर्व हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए लेस देन जीरो है, इसका मतलब इन साइड की बात बोल रहा है, और ये कर्व क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ये आउट साइड की बात कर रहा है, ठीक है। और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए ये कर्व की बात करें, यहाँ पे हमारा सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा जी a कमा जीरो हो जाएगा 4a, सेंटर क्या हो जाएगा 4a कमा जीरो। कोई दिक्कत है जी? हाँ सर, 4a कमा जीरो हो जाएगा सेंटर, और रेडियस भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा 4a ही हो जाएगा, ठीक है जी। और तो ये कर्व ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, कोई सर्कल तो ऐसे पास हो गया, ठीक है, ये 4a हो गया, ठीक है। और हमारा ये जो होगा ऐसे हो जाएगा ना, पैराबोला, पैराबोला कहाँ से लाइक करेगा जी, ऐसे निकलेगा, ऐसे पैराबोला ऐसे होगा ना जी। यस सर। अब क्या बोल रहा है, y इज ग्रेटर देन जीरो यानी ये वाला पोर्शन, x इज ग्रेटर देन जीरो यानी ये वाला पोर्शन, और ये क्या बोल रहा है कि सर्कल के अंदर, ये क्या बोल रहा है सर्कल के बाहर माने कर्व के इधर, ये वाला रीजन, और ये बोल रहा है ये वाला रीजन, ओवरऑल रीजन क्या हो गया, और इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, तो हमारा रीजन यही हुआ ना, ये हुआ। यस सर, ठीक है, क्योंकि वाई भी हमारा जीरो होना चाहिए, एक्स भी जीरो होना चाहिए, तो ये कर्व का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये दोनों कर्व को हम इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी x कमा लेंगे तो x माइनस फोर एक कमा जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो और x इक्वल टू फोर ए, यानी ये कर्व कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे x इक्वल टू फोर पे, ठीक है। तो देखिए इस कर्व में से इस कर्व को माइनस कर देंगे तो एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, जीरो टू फोर ए, अपर कर्व हमारा ये हो जाएगा, यानी अपर कर्व में हमारा क्या हो जाएगा, x 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 4ax इनपुट दिया। किसी को बात समझ में आया, कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे नहीं समझ में आया जी, हेलो, ये हमारा कर्व होगा, ये रिक्वायर्ड एरिया हुआ जीरो से यहाँ से 4a तक आए, और ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? नो सर। इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व हो जाएगा ना जी आप लोगों से? सर कर दो एक बारी। अच्छा देखो ये वाला पोर्शन तो आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में दिक्कत है, ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए ऐड करके, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में हम ब्रेक कर दे रहे हैं, यहाँ पे 0 टू 4a रूट ओवर 8ax माइनस एक्स स्क्वायर एक पार्ट, और 0 टू 4a रूट ओवर 4ax इनटू ये, ये वाला पोर्शन आप तो कर लोगे इजी से, ये वाला पोर्शन हम कर लेते हैं। a1 इज इक्वल टू हमने लिया 0 टू 4a रूट ओवर 8ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर है ना जी, कि माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाना है, तो हमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये वाला मेथड आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 8ax,
अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 ए स्क्वायर हम ऐड कर दें, तो यहाँ 16 ए स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए बैलेंस हुआ। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? देखिए ध्यान से। हेलो, हाँ जी बोले। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 to 4a, ये क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। ठीक है जी, तो ये वाला मेथड हम अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है x बाई a, x बाई 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस। अब देखिए ये अप्लाई हमने किया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह पे x माइनस 4a बाई 4a, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a यानी x माइनस 4a अपॉन 4a। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक जी किसी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ जी बोले, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए 4a अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ये पार्ट पहला जीरो हो गया। अगर हम जीरो पुट करें, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो गया यानी ये जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 4a पुट करेंगे पहली बार तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। माइनस यहाँ पे आता है, माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा 4a यानी 16a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 तो क्या हो जाएगा माइनस 4a यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस और 2 × 4 यानी 4a स्क्वायर इंटू पाई। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? तो a1 की वैल्यू 4a स्क्वायर पाई आ गया। ठीक है, अब देखिए a2 की वैल्यू हमें निकालना है, a2 की वैल्यू हमारी क्या है 0 to 4a रूट ओवर 4a x dx, तो 2 इंटू रूट a आ गया बाहर, यहाँ पे 0 to 4a रूट x dx, तो ये वैल्यू क्या हो गई रूट a x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 का पावर 4a कॉमा 0, तो देखिए रूट 2a तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 4a का पावर 3/2 और 0 हो जाएगा हटाइए, ये क्या हो जाएगा 4/√2 अपॉन 3। अब देखिए 4 तो इसका देखिए 3/2 तो 4 का पावर 3/2 क्या हो जाएगा जी 2√2 हो जाएगा ना जी, 4 का पावर 3/2 तो एक 4 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और a का पावर 3/2 आ जाएगा। ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या होगी 4 × 8/3 a स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया a, a की क्या है a1 माइनस a2 है, यही देखिए ना यहाँ पे देखिए a1 माइनस a2, तो यहाँ पे देखिए a1 इक्वल टू आ गया 4a स्क्वायर पाई और माइनस a2 आ गया 32/3 a स्क्वायर। ठीक है, 4a हम कॉमन ले सकते हैं 4a दोनों से, तो ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पाई आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3, ये हमारा आंसर आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, 8/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। हाँ जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हेलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी, अभी क्लास तो नहीं है जी? बहुत असर कल कर लेंगे। हाँ जी, तो देखिए अभी बहुत हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स या सेवन जो भी होगा लिख लेना। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by two circles x square plus y square is equal to a square and x minus a ka whole square plus y square is equal to a square. Try this question ji. Try. Sir kar rahe hain. प्रोसेसर बहुत ही स्लो है जी तुम्हारा अरमान। ठीक है, एक ये कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फर्स्ट सर्कल है। दूसरी सर्कल है एक माइनस एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट जो सर्कल है टी वन, इसका सेंटर है जीरो कमा जीरो एंड आर वन इज इक्वल टू ए है। एंड C2 की बात करें तो सेंटर क्या है A कमा जीरो एंड रेडियस R2 इज इक्वल टू क्या है। तो हमारा कर्व जो होगा ऐसा होगा, एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल ऐसा है। बात समझ में आई जी? हेलो, ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दूसरा सर्कल हो गया एक माइनस एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें एरिया, इसी एरिया को हमें फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है जी, ये वाला एरिया निकालना है। फाइंड एरिया रीजन एनक्लोज बाय टू सर्कल, एनक्लोज बाय टू। अब ये पॉइंट हमें निकाल लीजिए, ये पॉइंट निकाल लीजिए और जो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पूछ y square is equal to हो जाएगा a square minus a। तो यहाँ पे second में हम put करते हैं, देखिए तो x square plus a square minus 2ax plus a square minus x square is equal to this, तो this cancel हो जाएगा, a square cancel हो जाएगा, a minus 2a 2x बच गया ना। ये देखिए x की value क्या है, x is equal to 2a, x is equal to आ गया a square, a से ये कैंसिल हो जाएगा। तो x is equal to क्या आ गया a by 2। ये कर्व हमें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों कर्व x is equal to a by 2 यानी x is equal to a by 2। ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, किस पे a by 2। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जीरो से लेके a by 2 और a by 2 से दिस, तो यहाँ पे एक कर्व हमारा ये लगेगा, दूसरा कर्व ये लगेगा। देखिए कैसे करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू, कैलकुलेशन ही बहुत बड़ी हो रही है। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए तो मैंने दिया है कि आपको इंटरगेशन नहीं आता है। यस सर, सही है ना जी। देख ले, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर को हम इधर रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक माइनस ए का होल स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कर्व ये हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी इसके सॉल्व किए थे हमने थोड़ी सी थोड़े देर पहले, a माइनस a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इनटू dx प्लस a by 2 to a और यहाँ पे क्या हो जाएगा a square minus x square into dx। यही तो सॉल्व करना है जी, यही सॉल्व करना है ना जी। यस सर। हाँ जी, क्या दिक्कत है यहाँ जी, क्या दिक्कत है? अभी जो पहले हमने पढ़े थे क्या होता है, x by 2 into a square minus x square, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। देखिए
टू ऐसे रखते हैं, एक्स बाई टू यानी एक्स माइनस ए बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, हाँ जी सर, दोनों को माइनस नहीं करना सर? माइनस क्यों करेंगे, देखो जी यहां से यहां तक अलग कर्व है ना, और यहां से यहां तक अलग कर्व है, तो यहां से हम जीरो से ए बाई टू तक जा रहे हैं, फिर यहां से ए बाई टू से ए तक जा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी अरमान, समझ में बात आई? हेलो हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स माइनस ए बाई ए प्लस ये, इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बाई टू जीरो हो जाएगा प्लस ये देखिए यहाँ पे x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, ये हो जाएगा ए टू ए बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए, अगर ए बाई टू पुट करते हैं यहाँ पे तो एक्स में से ए बाई टू माइनस किया तो माइनस ए बाई टू बाई टू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रूट के अंदर देखिए, अगर ए बाई टू पुट करते हैं ये देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे a बाई टू पुट करते हैं तो ए स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी में हम माइनस करते हैं तो ये जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस a बाई टू आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए जब ये जीरो पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको रहने दीजिए अगला स्टेप में कर लें। ये देखिए ए स्क्वायर बाई टू यहाँ आ गया, जब a बाई टू करेंगे यहाँ पे तो माइनस a बाई टू ये बनेगा और ए तो माइनस पाई बाई टू बन जाएगा, माइनस वन बाई टू बन जाएगा। देखिए a बाई टू यहाँ पे पुट करेंगे तो a बाई टू माइनस ए तो माइनस ए बाई टू बाई ए तो माइनस वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। और जीरो पुट करेंगे तो ये देखिए तो ए स्क्वायर बाई टू और जीरो पुट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस वन बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए जब a पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए, अब जब a बाई टू पुट करेंगे तो देखिए माइनस a बाई टू बाई टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई फोर। अब देखिए ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज रहने दीजिए और ए स्क्वायर बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस जब करेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ देखिए पाई बाई टू तो साइन क्या हो जाएगा पाई बाई सिक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका जीरो हो गया हटाइए जीरो, ये भी हो गया हटाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव में है, ये देखिए ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में, कोई बात नहीं। अब देखिए टू यहाँ पे देखिए माइनस ए बाई फोर और ए स्क्वायर माइनस फोर और ए स्क्वायर के कमन करेंगे तो क्या होगा रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर पाई बाई, यहाँ भी पाई आएगा जी, ठीक है, पाई बाई फोर, यहाँ देखिए माइनस ए बाई फोर और रूट थ्री बाई टू, ठीक है, रूट थ्री बाई टू वहां भी आएगा तो ए बाई फोर इंटू रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, देखिए ए स्क्वायर है पहले से बाई टू पाई स्क्वायर बाई फोर, अब देखिए ए स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व, ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर पाई बाई ट्वेल्व, ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर पाई, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस ए, तो देखिए क्या आ रहा बहुत, ये देखिए
यहाँ पे ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर पाई बाई फोर पाई बाई टू हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस ए स्क्वायर पाई बाई सिक्स, क्योंकि टू हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? अब देखिए यहाँ पे है ये और यहाँ पे ये, दो पार्ट बचे हैं। यहाँ देखिए इसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है ये, तो ये भी एट है एट है तो टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए रूट थ्री ए बाई फोर, क्योंकि टू टू वन हो जाएगा तो ये फोर बच गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ भी ये स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए टू आ गया, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स क्या हो जाएगा जी, पाई बाई टू में से पाई बाई सिक्स चला जाएगा तो ठीक है। तो ए स्क्वायर ये देखिए ए स्क्वायर पाई वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर, ऐसा बच गया। नेक्स्ट पेज पे देखें, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टू इंटू यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर पाई और वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स माइनस ए स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर, ये है ना जी, देखिए तो वन बाई टू ये देखिए टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई। अब देखिए ये सिक्स हो जाएगा, थ्री आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, ए स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर। अब देखिए क्या हो जाएगा टू, ये देखिए क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, यानी टू बाई थ्री ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो टू इंटू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे टू पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर, सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा एट पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री रूट थ्री, ठीक है जी। दैट्स आवर आंसर, द रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा ए इक्वल टू टू ए स्क्वायर, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई सिक्स इंटू एट पाई माइनस थ्री रूट थ्री स्क्वायर। किसी को दिक्कत है जी इसमें, किसी को दिक्कत है? नो सर। जी ऐसा करना पड़ेगा जी, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाएंगे तो हमें ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें? आदर्श तो पहले मिल जाए। हाँ जी ठीक है,